योगी सरकार में पंडित नहीं है, सुरक्षित दबंगों ने पंडित और उसके परिवार के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने मुंडा पांडे पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे ग्राम खाईखेड़ा बड़वाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कुछ दबंगों ने एक पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की है। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे ग्राम खाईखेड़ा बड़वाला का सामने आया है, जहाँ के निवासी पंडित राकेश शर्मा का आरोप है कि मोहल्ले के ही कुछ दबंगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे मकान के सामने गुड्डू का खाली प्लॉट पड़ा है, जिसको लेकर गुड्डू आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमसे विवाद करता रहता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे घर के अंदर नहाने धोने का पानी सड़क पर चला जाता है, सिर्फ इसी बात को लेकर खाली पड़े प्लॉट स्वामी ने हमारे घर के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हम पर हमला कर जान से मारने का प्रयास किया, तो वहीं पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार मारपीट करने वाले दबंगों से डरा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार ने मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ मुंडा पांडे पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने पत्रकारों को बताया कि गीता शर्मा खाईखेड़ा बिना वाला मुंडा पांडे। क्या मामला हुआ था, किस तरह से विवाद हुआ, क्या कौन लोग थे? शुक्र के दिन सुबह 6 बजे आ गए, हम सो के भी नहीं उठे थे, डंडे ले लेकर सब हमें मारने घर में। हम गुड्डू और गुड्डू के लड़के दो और उनके भाई हैं ओमकार बिंटू। कुछ मारपीट करी, क्या वजह थी? वजह तो कुछ नहीं थी, बहाना था सिर्फ पानी का, बाहर को पानी निकल गया है हमारा। पानी किस चीज़ का? लैट्रिन बाथरूम का। हाँ वो तो लैट्रिन बाथरूम पानी रास्ते में जाता है, 18 फुट का रास्ता है। तो क्या बोला वो सामने? वो बोला कि ये ट्रैक्टर हमारा यहाँ खड़ा होता है, ट्रैक्टर हटाओ, इंजन हटाओ, गाय हटाओ, ये पानी बंद करो। वो तो लड़ने की एक धौंस है। सामने खाली प्लॉट पड़ा है जी। वही हमने उनकी पहले की टेंट की दुकान थी, हमने बाद में ले ली, तो ये तो जजमान है पूरे एरिया के, वो हमसे ही ले रहे हैं सामान, उनकी बस यही वास्ते लड़ाई है। कारोबार को लेकर? हाँ कारोबार को लेकर जरा ना, पिछली बार भी लड़ाई हुई थी, गांव वालों ने फैसला करा दिया था, अब फिर दोबारा चांस है। कितने लोगों ने मार्केट करी, कैसे कैसे? सब इधर से आए डंडे ले लेके, घर पर आ गए थे सब डंडे ले लेके। पहले हमारे पति को पकड़ा, उन्हें मारने का लगे, फिर उसके बाद में मुझे भी लिपट गए, लड़की गई बचाने, हम सबको वहाँ को ले गई बाहर को खींच के गेट पे, को गलत सब जगह हाथ चलाया, उन्होंने गलत नज़र से देखा हमें, हमारे संग में गलत व्यवहार करा, उसके बाद में बोले कि रपट करने जाओगी तो भी तुम्हें मारेंगे और ना करोगी तो भी मारेंगे। तो क्या मानती है लोगों के? आपको किस तरीके खतरा लग रहा है उन लोगों से? वो यही धमकी दे रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, यहाँ तो भजाएंगे, हमें रहने ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। क्यों रहने नहीं दे रहे हैं? रहने की यही वजह है, हमारा टेंट था अच्छा चल रहा, उनका चल नहीं रहा है, उनका ठप्पड़ आ गई, उन्हें जलन है हमारे कारोबार को देख कर जलन है। थाने गई थी? थाने गए थे, हमारा जो हमने बताया वो नहीं लिखा उन्होंने, ये लोग हमसे पहले चले गए थे। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही, नहीं कर रही है, नहीं कर रही। हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं, इनसे इंसाफ चाह रहे हैं।